वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस। और आज हम बात करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा, कब आ सकता है एक्सपेक्टेड डेट, और कैसे चेक करें, अगर आ गया तो चेक कैसे करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी सारे परेशान हैं कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा आएगा टर्म वन का रिजल्ट कब आएगा। जैसे देखो, आएगा तो जरूर, जब कर्ण अर्जुन आ चुके थे, कर्ण अर्जुन आ गए थे तो रिजल्ट की क्या बात है, रिजल्ट भी आएगा। देखो कब तक आ सकता है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में डाला था कि हैप्पी लोहड़ी, आपको लोहड़ी पे खुशियां मिले सबको। और कब तक आ सकता है रिजल्ट, तो 15 जैन के अराउंड आ सकता है भाई रिजल्ट आपका, इसके अराउंड आ सकता है 15 जैन के अराउंड। और ये मान के चलो कि इस वीक तक आ सकता है, यानी आज मंडे है तो इस वीक तक ये रिजल्ट आ सकता है। ये तो क्वेश्चन है, ये तो खत्म हुआ, ठीक है। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे। अब चेक कैसे करें, अब रिजल्ट आ गया, अब उसको चेक कैसे करें भाई, चेक भी तो करना आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, क्या क्या कौन कौन सी एप्स हैं, कौन सी साइट्स हैं, सब डाला हुआ मैंने, चैनल पे देख लेना। फिर भी एक थोड़ा सा बता देता हूं कि ये 3 साइट्स हैं, ठीक है। आप यहां पर भी जा सकते हो, nic.in, result nic.in, cbsc, सबके आगे cbsc जरूर लगाना है, ठीक है। ये इनके इनके अंदर जाओगे आप, ठीक है, चले गए। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। जहां पर भी रिजल्ट लिंक का ऑप्शन दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है। अगर बात करें तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, रिजल्ट कैसे चेक करें, बट एक पूरा प्रोसेस बता रहा हूं इसमें कि प्रोसेस कैसे करना है। उसे मैंने साइट्स बताई थी, ऐप बताई थी, इसमें आगे प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है। जैसे प्रोसेस बताते हैं ना, कई बार मैं बोर हो जाता हूं, मैं वो देखता हूं क्या वो मास्टर शेफ में बनाते नहीं है, एक चम्मच जीरा लें, थोड़ी सी दही लें, फिर उसको पकने के लिए छोड़ दें, भाई बड़ा मजा आता है उसमें। बट नहीं, आपका मजा रिजल्ट में आना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे, अगर आपके पास रोल नंबर है, अगर आपने गुम नहीं किया है तो आप रोल नंबर फिल करोगे, डेट ऑफ बर्थ और जो भी डिटेल मांगी है, उसके अलावा तो क्या ही मांगेंगे, जो भी मांगेंगे, ठीक है। फिर आप सबमिट का बटन आएगा, सबमिट दबा देंगे, सबमिट। फिर क्या होगा, एक्साइटमेंट बढ़ेगी, पता नहीं क्या होगा, नर्वस होंगे थोड़ा सा, पर नहीं यार, पॉजिटिव रहना है। फिर स्क्रीन पर मिलेगा आपको रिजल्ट, और उसको देखने के बाद बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं, कुछ तो बहुत ज्यादा खुश हो सकते हैं और कुछ यूं बोल सकते हैं कि मम्मा बेटा रिजल्ट कैसा आया, मम्मा साइट नहीं ओपन हो रही है, मम्मा आज मेरी तबीयत खराब है, कल बात करूंगा। तो ऐसा नहीं है, अगर जैसा भी आएगा एक्सेप्ट करना है और टर्म टू के लिए मेहनत करनी है ना। और आधे तो ये शर्मा जी और वर्मा जी के लड़के पिटवाते हैं, देखा तूने शर्मा जी के कितने नंबर आए हैं, वर्मा जी के बेटे कितने नंबर आए हैं, भाई वही तो घर में कलेश। उसके बाद क्या करें, डाउनलोड करें और उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लें, और प्रिंट आउट अगर अच्छा आया तो सबको दिखाएंगे भाई प्रिंट आउट में ये मार्क्स है, अगर अच्छा नहीं आया तो फिर पूछेंगे क्या आया बेटा रिजल्ट, मेरी DMC ना गुम हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। चलो ये सब जो भी आएगा आपको एक्सेप्ट करना है और टर्म टू के लिए मेहनत करनी है, ठीक है। और हमारा CG फाउंडेशन की टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, CG फाउंडेशन, ठीक है। 9th-10th क्लास में मैथ और साइंस का डीपली कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और प्लस वन में हमारे केमिस्ट्री गुरुजी हैं, ठीक है, और भारत पंचाल सर BP वो पढ़ा, प्लस वन प्लस टू में केमिस्ट्री टीच कर रहे हैं। तो चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और चैनल का टेलीग्राम चैनल है CG फाउंडेशन के नाम से, वहां पर हमें फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।